देशभर में बढ़ते रेप और महिला उत्पीड़न के मामलों के बाद केंद्र सरकार द्वारा देश के सभी जिलों में सखी सेंटर की स्थापना की गई है। बाड़मेर में भी कलेक्ट्रेट परिसर में वर्ष 2019 से सखी सेंटर चल रहा है। वहीं धीरे धीरे अब ये सखी सेंटर ऐसे मामलों में पीड़ित महिलाओं व बालिकाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। बाड़मेर में स्थापित सखी सेंटर में अब तक 77 मामले आए हैं, जिनका निस्तारण यहां के अधिकारियों द्वारा किया गया है। सखी सेंटर में विशेषकर नाबालिग बालिका के अपहरण, रेप, घरेलू महिला हिंसा जैसे मामलों को निपटाया जा रहा है। पेश है सुरेश सोढ़ा की एक रिपोर्ट। निर्भया केस के बाद महिलाओं की सुरक्षा में तेजी लाए जाने के लिए केंद्र सरकार ने निर्भया फंड जारी किया। फंड से महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के विषय में सूचना से लेकर कार्रवाई तक के पूरे सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की कवायद शुरू की गई थी। इसके लिए सरहदी बाड़मेर में भी 7 अगस्त 2019 को सखी सेंटर शुरू किया गया था। हालांकि पूरे प्रदेश के अन्य जिलों की तरह बाड़मेर में अभी सेंटर जिला मुख्यालय पर शुरू किया गया। इसमें अब तक 77 महिलाएं अपने घरेलू झगड़ों से लेकर अन्य शिकायतें दे चुकी है। इनमें सभी 77 को सुलझा भी दिया गया है। इसको चलाने की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग की है, जिनके द्वारा जरूरत पड़ने पर महिलाओं को स्लेटर की मुहैया भी की जाती है। वहीं सेंटर की खासियत यह है कि अगर कोई पति पत्नी के झगड़े की शिकायत आती है तो उसको पहले काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। इस सेंटर का महिलाओं को सबसे ज़्यादा फायदा यह हुआ है कि यहाँ पर महिला अपने हर समस्या बता सकती है। इसके लिए अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो पुलिस कार्रवाई से लेकर कोर्ट तक भी महिलाओं की मदद की जाती है, लेकिन हर बात का लिखित में रिकॉर्ड भी होता है। वही जो केस हल हो जाता है उसके बाद लगातार उसका फॉलोअप भी किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सखी सेंटर में न तो उम्र का लिहाज से केस आ रहे हैं और न ही कैटेगरी के हिसाब से। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक के हर उम्र के दंपति में झगड़ा होता है, जिनको लेकर कोई तो घरों में ही सुलझा देता है तो कोई फिर मदद को लेकर आगे आता है। नवविवाहितों में भी यह बात देखने को मिलती है। बाड़मेर के बाल एवं महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक पहला सिंह राजपूत के मुताबिक हालांकि ज़्यादातर केसों में लड़के या लड़की अपने ससुराल वालों से नहीं बनती, इसके अलावा युवतियों के साथ धोखा होना, दुष्कर्म पीड़िता, एसिड अटैक पीड़ित के भी सखी सेंटर से मदद के लिए आगे बढ़ती नजर आती है। बाड़मेर में जो सखी केंद्र हमने शुरू किया 7 अगस्त 2019 को शुरू किया है, ये चूंकि जैसा कि आपको ध्यान है कि निर्भया कांड जो दिल्ली में हुआ था, उस निर्भया कांड 2012 के बाद में भारत सरकार ने भारत के समस्त जिलों में इस प्रकार के सेंटर, जिसको हम सखी केंद्र या वन स्टॉप सेंटर कहते हैं, ये खोले गए हैं। हमारा भी सखी केंद्र है, वो हमारा जिला हेडक्वार्टर कलेक्ट्रेट के अंदर है। और इस प्रकार का इसमें नियम है कि यदि जो मेडिकल सुविधा हो और मेन सिटी हॉस्पिटल, उसके 2 किलोमीटर के दायरे में ये सेंटर होना चाहिए। तो हमने यहाँ पहले ज़मीन के बारे में कुछ पता किया था, ज़मीन अवेलेबल नहीं होने के कारण फिर भी हमारे को एक अच्छा स्थान जो कलेक्ट्रेट में पहले कोर्ट है वो बिल्डिंग मिल गई है, उसके अंदर ये सेंटर चल रहा है। इसमें आज तक 77 जब से शुरू हुआ है 77 केस आए हैं। इसमें अधिकतर केस ऐसे हैं, या तो किसी बच्ची को बालिका को कोई भगा के ले गया है, अपहरण किया है इस प्रकार, या किसी के साथ रेप हुआ है, या कोई बच्ची का नाबालिग उसने किसी लड़के से उसका अफेयर हो गया और वो उस नाबालिग किसी से शादी करना चाहती, वो फिर माँ बाप ने कंसल्टेशन किया है। इस प्रकार के केस आए हैं जो या तो घरेलू विषय से संबंधित है, या किसी के साथ इस प्रकार का रेप या कोई भगाने वाली कोई घटना हुई है, तो ऐसी बालिका आई है। वो हमारे एक यहाँ बाल कल्याण समिति है, उसके थ्रू भी केस आते हैं, महिला थाना है, अन्य पुलिस थाने हैं, उनसे केस भी आते हैं, और कोई NGO वगैरह या ऐसा कोई समाज सेवी भी किसी को ऐसी कोई घटना का ध्यान होता है, वो भी यहाँ हमारे यहाँ लेके आए हैं। तो उसके लिए हम 3 दिन के लिए उनके रहने का, खाने का और सारी व्यवस्था रखते हैं। उसके साथ साथ में चिकित्सा व्यवस्था, कानूनी सलाह के लिए हमारे यहाँ वकील भी हमारे नॉमिनेट किया हुआ है, तो यदि उसको कोर्ट में कोई उसको काम है तो हम वकील उसको मुहैया कराते नहीं सुन, और यदि किसी प्रकार कोई शारीरिक तकलीफ है या डॉक्टर की जरूरत है, मेडिकल की सुविधा की जरूरत है, तो वो भी हमारे यहाँ डॉक्टर को नॉमिनेट किया रखा है। बाड़मेर के सखी सेंटर में पति पत्नी के झगड़ों के निपटने के लिए 2 काउंसलर है, इसके अलावा 3 का स्टाफ है जिसमें 2 महिला 1 पुरुष है। एक अधिवक्ता की भी सेवा है सखी सेंटर को मुहैया है, साथ ही यहाँ खाने पीने की भी बेहतर व्यवस्था है। अधिकारियों का कहना है कि उनकी पहली कोशिश यही होती है कि केस को काउंसलिंग कर सुलझा दिया जाए, अगर यह यहीं हल नहीं होता तो आगे पुलिस को भी भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कैसे केस आए उसकी पहचान को सामने लाना नियम नहीं है,
जबकि उनके द्वारा हर केस का रिकॉर्ड रखा जाता है, जिसके बाद पति पत्नी के साथ तालमेल भी बनाकर रखते हैं और समय समय पर उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। सही मायने में सरहदी बाड़मेर में सखी सेंटर सैकड़ों महिलाओं के लिए सुरक्षा और संबल का नया आधार बन गया है।